अगर आप कई दिनों से वजन कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी देसी दूध वाली चाय को अलविदा कह चुके हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। वजन घटाने के लिए हम में से बहुत से लोग चाय पीना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे पीकर वो कभी भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी वेट लॉस करने के रास्ते पर चल निकले हैं तो चाय को बनाने का तरीका जरूर जान लीजिए, क्योंकि जब आप इस तरीके को जान जाएंगे तो आपको चाय छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताने जा रहे हैं वो विधि जिसके साथ अगर आप चाय बनाकर पियेंगे तो न सिर्फ आपका वजन कम होगा बल्कि कब्ज, हाई बीपी और स्ट्रेस भी कंट्रोल होगा। यदि आपको दिन भर थकान महसूस होती है तो इसे पीने के बाद आप पूरे दिन एक्टिव और फ्रेश बने रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चाय पीने के समय के बारे में। चाय को पीने का समय भी देखना बहुत जरूरी होता है। चाय को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, साथ ही इसे कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं पीना चाहिए। चाय को तब पिएं जब आप पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तब जाकर आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेट लॉस चाय बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं इसके लिए चाहिए चाय की पत्ती स्वाद के अनुसार, लेमन ग्रास स्टेम 1-2 इंच का टुकड़ा, कोकोआ पाउडर 1-2 छोटा चम्मच, दूध थोड़ा सा, शुगर फ्री या ब्राउन शुगर 1-2 चम्मच, पानी 1 कप। चाय बनाने का तरीका भी अब जान लेते हैं। सबसे पहले तो पैन में आप पानी उबालने के लिए रख दीजिए। अब लेमन ग्रास को अच्छी तरह से कूट लीजिए और पानी में मिला दीजिए। एक अलग कप में कोको पाउडर और चीनी मिलाइए। जब पानी उबलने लगे तब उसमें चाय की पत्ती डाल दीजिए। उसके बाद दूध डालिए और अच्छी तरह से इसे पकने दीजिएगा। आप चाय को उसी कप में छान लें जिसमें आपने कोको पाउडर और चीनी मिक्स की थी। इसे चम्मच से चलाएं और पी जाइए। अब आपको बता दें लेमन ग्रास की खासियत क्या है। ये औषधीय गुणों वाला पौधा होता है जिसमें ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। इसकी चाय के नियमित इस्तेमाल से डायबिटीज, मोटापा, पेट की बीमारी, नींद की समस्या और सांस संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। लेमन ग्रास खून को साफ करता है और एक्ने की समस्या को दूर करता है। लेमन ग्रास के सेवन से वजन भी कम हो जाता है क्योंकि इसमें सिट्रोल पाया जाता है जो पेट में वसा के संचय को रोक देता है। कोकोआ पाउडर क्या करता है? कोकोआ पाउडर के बीज से डार्क चॉकलेट बनाई जाती है। इसे दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका नियमित सेवन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे फैट तेजी से बर्न होता है। कई रिसर्च में ये सामने आया है कि कोको में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मूड अच्छा करके डिप्रेशन की स्थिति से आपको बाहर निकालते हैं। चाय की पत्ती, ये तो सभी जानते हैं, चाय की पत्ती में ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो चेहरे के रिंकल्स को दूर करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। कई स्टडीज में पता चला है कि चाय की एक किस्म आपकी प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून प्रणाली को बढ़ा सकती है, सूजन से लड़ सकती है और यहाँ तक कि कैंसर और हृदय रोग को होने से रोक सकती है। दूध, ये कैल्शियम से भरपूर होता है, फास्फोरस, विटामिन बी, पोटेशियम और विटामिन डी जैसे कई इंपॉर्टेंट पोषक तत्व इसमें भरपूर होते हैं। ये प्रोटीन का एक बहुत ही शानदार स्रोत होता है। दूध में उच्च क्वालिटी का प्रोटीन होता है। इसकी वजह से आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है जिससे आप अधिक खाना नहीं खाते हैं इधर उधर का, जिससे आपका वजन कंट्रोल होता है। तो फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो, और ये चाय आपको निश्चित तौर पर वजन कम करने में काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और क्विक आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।